तो गाइस अभी हम लोग करने वाले डोमिनोज का अनबॉक्सिंग। तेरा पूरा हो गया आंख वाक का सत्यानाश। और कुछ मेरा आंख में कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन का बात कर रहा है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रात का 12 बजे से। और दरअसल आज का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी आसाम। ये एक टाइप से रोड ट्रिप भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन है नहीं ये रोड ट्रिप। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल आंख दिखाने। मेरा आंख में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ गया। मेरे को चश्मा के बिना कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और आंख बहुत ही दर्द हो रहा है। और हम हो चुका है रेडी, यहाँ पे हमारा बैग वैग फुल रेडी हो चुका है और हम अभी बैठ के कर ही रहे ब्लॉग अपना एडिट, क्योंकि नया वाला ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द। जब तक नया वाला ब्लॉग आ जाएगा तब तक हम हो जाएंगे गुवाहाटी के लिए रवाना। सुबह अभी टाइम हो रहा है 12:26 और नीचे आ चुका है गाड़ी, तो बैग टांग लेते हैं शरीर में और हम हो गए बिल्कुल रेडी। तो जाते हैं नीचे और बुला रहा है, तो बाय बाय, गाड़ी में जाके मिलते हैं। बस अभी आ चुके गाड़ी हमारे, कोई पूछो मार बस हो गया। हेलो सर, नमस्ते, क्या हाल चाल? बाय बाय, टाटा। अभी हम लोग रवाना हो चुके गुवाहाटी के लिए और अभी बज रहा है रात का 12:30। ब्लॉग, आई एम ए ब्लॉगर। सो ये हमारे भैया, ये बाकी सब यात्री हमारे अंकल आंटी लोग, भाई हमारे टोपला। अभी बज रहा है रात का 12:30 और हम लोग फुल पैक के एक साथ बैठे हैं गाड़ी में और मेरे को बहुत काम है, ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा अभी। सोते सोते जाते हैं। तभी हम लोग पहुंचे थे गोसाईगांव पेट्रोल पंप पे और हमको इतना आदत नहीं है इतना लॉन्ग जाने में, वो भी गाड़ी में। हमारा हालत हो चुका है बहुत ही खराब, नहीं पता गुवाहाटी तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। कल आँख का डॉक्टर दिखाने से पहले तो शरीर का डॉक्टर दिखाना पड़ेगा हमको। तो जाते हैं गाड़ी में, पेट्रोल फ्यूल अप हो रहा है अभी, तो फ्यूल अप हो जाए फिर निकल जाते हैं वापस से। सोना है यार, बहुत शरीर बहुत ही खराब लग रहा है मेरे को। सुबह का 4:25 और अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं। गुवाहाटी सुनाई दे रहा है यहाँ से है और 65 किलोमीटर। तो जब यहाँ आसाम घुस चुके हैं तो थोड़ा आसामी गाने बजाया जाए। चाय आ गई, चाय हमारी। साहब अभी यहाँ पे आ चुका है गर्मा गर्म चाय, ये पीने के बाद तो शरीर में जान आ रहा है कि मेरा हालत हो गया पूरा खराब। हम बहुत दूर आ चुके हैं, यहाँ से गुवाहाटी है 65 किलोमीटर, बस पहुँच जाए। घुस गए गुवाहाटी, मजा आ गया चाय पी के और भी मजा आ गया। तो हम लोग घुस चुके हैं गुवाहाटी और अभी हम लोग हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं। अभी घुसते वापस अंदर और जाते हैं हॉस्पिटल। तो भाई और बहनों, हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी के मिट्टी पे, गुवाहाटी में पहुंच गए और अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल है हमारा वो रहा पीछे नीला वाला बिल्डिंग, हम लोग हॉस्पिटल के पीछे वाला रास्ते पे उतर गए। और गुवाहाटी क्या बड़ा है गाइस, खतरा बड़ा है। तो यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ठंडा ठंडा है, हमारे उधर से भी बहुत ज्यादा है। सो हम आ गए श्री शंकर देव नेत्रालय पे, आंखों का डॉक्टर ऑपोजिट इसके। क्लीन गुवाहाटी ग्रीन गुवाहाटी, को यहाँ पे ये चीज दिखा जो कुछ दिन पहले रील में बहुत वायरल था, ऐसा करने से। ओ यूहू, और ये है यहाँ का नजारा गाइस। ऐसा नहीं लग रहा कि हॉस्पिटल है, ऐसा लग रहा है कुछ घूमने वाला जगह है। आसाम बहुत सुंदर। हम एंट्री कर लिए यहाँ से और हमारा जो हॉस्पिटल है ये हमारे पीछे, ये खोलेगा सुबह का 7:30। अभी है फिलहाल बंद, अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा मुंह धो लेते अच्छे से पानी वाले लगा के, क्योंकि बहुत ही तकलीफ वाला फील हो रहा है। तो आ गए हम बाथरूम में। ओ भाई क्या ठंड है यार, पानी हालत खराब हो गया। बस हम यहाँ पे कपड़ा वपड़ा चेंज करके हो चुका है फुल वाला फ्रेश, क्योंकि बहुत एकदम गंदा गंदा फील हो रहा था अपने आप को, उल्टी उल्टी करके एकदम शरीर गुरमुरा गया था। अब भले अंदर से पूरा अभी तक गुरमुरा होकर पड़ा है, लेकिन ड्रेस वेस चेंज किया, मुंह धोया, थोड़ा बॉडी स्प्रे वॉडी स्प्रे लगाया, अभी फिलहाल शरीर थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी जाते हैं अंदर अंकल लोग जहाँ पे है। तो ये है हॉस्पिटल, अभी फिलहाल खुला नहीं है और यहाँ पे होगा नाम लिखने वाला सीन। अभी हम पीने वाला है गुवाहाटी का पानी। यस, तो पानी पी लेते हैं। अरे माता तेरा तुम मेरा हर। हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं यहाँ पे
क्योंकि नाम लिखना शुरू होगा 7:30 बजे से। अभी बज रहा है 7:15, अभी तक थोड़ा टाइम है। और हम लोग ये हॉस्पिटल नहीं, हम लोग होटल जैसे यूज कर रहे हैं इसको। बाथरूम जा रहा है, ये कर रहा है, टॉयलेट जा रहा है। अंदर का लोग सब कुछ उतना बोल नहीं रहा है क्योंकि उन लोगों को भी पता है हम लोग बहुत दूर से है, वेस्ट बंगाल से। सुंदर सुंदर फूल, ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है पूरा एकदम हॉस्पिटल कम होटल ज्यादा दिखता है। अच्छा 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 है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों का नाम वगैरह, फिर एंट्री करना पड़ेगा अंदर। ऑफिस है 8:13 और हम गए थे वहाँ पे, बुलाया था हम लोगों को, तो जाके फॉर्म वॉर्म जमा कर दिया और जाके कुछ प्रॉब्लम वगैरह पूछा, वो सब बोला और कुछ फोटो वोटो खींचना हुआ। अब बैठे हैं, अब कब बुलाएंगे, जाएंगे फिर। यहाँ पे आ चुका है हम लोग का फॉर्म, हम लोग का 4th फ्लोर और उन लोगों का 5th फ्लोर, तो लिफ्ट आने दो, फिर लिफ्ट में जाते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं। सेवन, तो हम आ चुके हैं 4th फ्लोर में, अभी हम लोग जाए आ रहे हैं डॉक्टर के इधर। ये दरवाजा खोलते हैं भाई साहब, लिफ्ट ये, अरे यार कैसे खुलता है यार। तो अभी हम हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो भी 5 नंबर फ्लोर पे। अभी जगह तो बहुत ही खाली खाली है और हमको आ गया है जोर से बाथरूम, तो यहाँ पे बाथरूम नहीं मिल रहा बहन। सब हमारा टेस्ट तो हो गया आँख का, और क्या कुछ दवाई डाला मैम ने, तो ऐसा जल रहा है, बोला 2-3 दिन तक धुंधला दिखेगा। और एक भाई आएगा, वो भी रिपोर्ट लेगा और क्या टेस्ट करेगा वापस से, बहुत टेंशन। और ये मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ तो मेरा मोबाइल भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। सो वो भैया ये फॉर्म जमा दे और नहीं पता क्या है, वो कर लेते हैं और आँख ठीक हो जाए यार। भाई साहब ये देखिए 4 बार आँख में ड्रॉप लगा के गया और 4 बार लगाया, धीरे धीरे आँख का रोशनी कम हो रहा है। मैं मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ, मेरा मुंह ही नहीं आ रहा अब तो। सपोज यहाँ पे हम लोगों का डॉक्टर दिखाना हो चुका है फुल खत्म, और हमारे आँख में ऐसा वाला ड्रॉप दिया कि हम सीढ़ी से भी उतर नहीं पा रहे, और कुछ मेरा आँख में कुछ ऑपरेशन का बात कर रहा है भाई साहब, डरा दिया पूरा। तो कुछ पावर वगैरह भी एक्स्ट्रा लग गया आँख में, तो आएंगे वापस 2-3 महीने बाद। तो यहाँ का जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था, अच्छे से बात किया वगैरह। सपोज यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, सीढ़ी दिखाई दे, वो देखिए हालत, सब लोगों का हालत है कि आँख में ऐसा भयानक वाला ड्रॉप लगाया कि सांप का जहर लगाया कि क्या लगाया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपना लॉक भी नहीं खोल पा रहा था, दिमाग खराब पूरा। मैं भैया को फोन करेगा कि मेरा हो गया लेके जाऊँ, वो मैम बोला कि थोड़ा देर 10-15 मिनट आँख बंद करके बैठो। तो भाई साहब अभी बज रहा 12:55 और आपके भाई का आँख अभी तक ठीक नहीं हुआ और हमारे भाई का भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो डॉक्टर दिखाया जो सब लोगों का आँख में दे दिया ड्रॉप, तो क्या हुआ मेन बात, हम अंधेरे में रह रहे तभी ठीक ही दिखाई दे रहा है। मतलब ठीक ही मतलब क्या, थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे बाहर आ रहा है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक्चुअली हम लोग गाड़ी में सोए हुए थे लेकिन बहुत जोर से आ गया था मुंह उतना, तो हम बाहर आए, बाहर आने के बाद यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ बाथरूम है कहाँ है, और आँख भी नहीं खुल रहा है। और ब्लॉग बना रहा हूँ मैं ठीक से, मेरा आँख खुल भी नहीं रहा है, तो क्या बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ समझ में भी नहीं आ रहा। सर 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 एक इंटरव्यू सर। और हम आए हैं अंकल का दुकान में, यहाँ पे चाय पीने, शरीर बहुत थक गया तो चाय पी लेते हैं और फुर्ती लाते हैं। तो संगवारी हो, अभी हम लेटे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे तबीयत बहुत खराब हो चुका है, और हमारा जो भैया था उसका डॉक्टर दिखाना अभी तक नहीं हुआ तो वो उधर है, मैं यहाँ पे लेटा हूँ, मैं हमसे और नहीं हो रहा है, हालात बहुत खराब हो चुका है मेरा, हमारा भाई यहाँ पे बैठते हुए यहाँ पे बैठे बैठे लेटे लेटे आ गया था बहुत तेज वाला भूख, और हमको लग रहा था और भी बहुत ज्यादा शरीर खराब, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि डोमिनोज जाते हैं, कुछ खा के आते हैं और थोड़ा शरीर भी ठीक रहेगा, तो जा रहे हैं और गुवाहाटी दिखाते हैं। बस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और हम लोग ने ऑर्डर दिया चिकन पिज्जा, तो बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हालत बहुत खराब है यार, ना ब्लॉगिंग करने का मन है, ना मूड है, ना शरीर साथ दे रहा है, सर घूम रहा है, भूख लग रहा है, उल्टी वाला फील आ रहा है, पूरा शरीर खत्म हो गया। तो जाते और ये डब्बा जो है हाथ में, ये डब्बा को खोलते और खा लेते, भूख बहुत ही ज्यादा लगा। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले डोमिनोज का अनबॉक्सिंग, ये फिर टेस्टी, ये सबको साइड में रख देते हैं, खाने में ध्यान देते हैं। 3, 2, 1, तब आके खाएंगे। ओ भाई इसका स्वाद गजब, ये खाने के बाद शरीर में थोड़ा फुर्ती आ गया, लेकिन जैसे खत्म हो जाएगा फुर्ती चला जाएगा, तो धमाधम खा लेते हैं, फिर मुंह धोते हैं।
बुक तो नहीं गया लेकिन मजा आ रहा है। सुबह वहाँ हम लोग निकल रहे थे वहाँ से 5:30 बजे से, फिर फ्रेश वेश होके जाता हूँ मैं भी, कुछ खाना वाना खा लेता हूँ क्योंकि खत्म यार सब खत्म हो गया। तो आ गए यहाँ पे हमारा खाना भाई। हो चुका है हम लोग का खाना पीना कम्प्लीटेड और ये रहा हम लोग का थाली वाली पूरा। उफ, इतना लंबा ट्रेवल नहीं यार, नहीं हो रहा है मेरे से। मॉर्निंग मेरे सुंदरी, आपका भाई आ चुका है घर पे। कल घर आके मेरा हालत बहुत खराब हो गया, डायरेक्ट जूता खोला और सो गया। इतना तक जब देख लिया तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आपके भाई को सपोर्ट करे। दिस एपिसोड 27 राइट से, फिर मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में।